तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं रेगुलरली आपको क्लासेस देता रहता हूं एनाटॉमी फिजियोलॉजी सब्जेक्ट की। तो मैं सौरभ शर आपका तहे दिल से मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस पर स्वागत करता हूं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले क्लास को शेयर जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे मैं रेगुलर जो आपको लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूं वो सभी आपको, आपके साथियों को, और जो नर्सिंग कर रहे हैं, मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल का कोर्स कर रहे हैं, उन सभी के लिए बेनिफिशियल हो सके। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करने से पहले हर बार की तरह मैं एक प्यारे से थॉट के साथ में क्लास शुरू करता हूं। वो है, जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इसमें दो वर्ड आए, एक संघर्ष और एक शानदार। तो जितना अच्छा संघर्ष होगा, जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी, याद रखिएगा। तो इस समय आप मेहनत करिए, संघर्ष कीजिए, निश्चित एक समय ऐसा आएगा कि आपकी बहुत ही शानदार जीत होगी, आप अपने सपने को पूरा कर सकेंगे। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट हमसे जुड़ते जा रहे हैं वो क्लास को शेयर जरूर करते रहें, और साथ ही साथ अपनी अटेंडेंस को दिखाने के लिए लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक, कार्डियक साइकिल। आज हम पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल के बारे में, जो कि हार्ट या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड टॉपिक है। इसके बारे में, कार्डियक साइकिल के बारे में हम पूरी डिटेल से जानेंगे, क्या इसके फेजेस होते हैं, क्या इसकी डेफिनेशन है, क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कार्डियक साइकिल के बारे में। तो कार्डियक साइकिल क्या है? वन सिस्टोल एंड वन डायस्टोल इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। याद रखिएगा, वन सिस्टोल और वन डायस्टोल को हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। पहली डेफिनेशन, पहली और बड़ी इजीली डेफिनेशन है ये, वन सिस्टोल एंड वन डायस्टोल इज नोन एज कार्डियक साइकिल। एक सिस्टोल को, हार्ट के एक डायस्टोल को हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। सिस्टोल मींस होता है कॉन्ट्रेक्शन और डायस्टोल मींस होता है रिलैक्सेशन। तो वन कॉन्ट्रेक्शन एंड वन रिलैक्सेशन इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। तो हार्ट का एक बार कॉन्ट्रेक्शन और एक बार रिलैक्सेशन करना कार्डियक साइकिल कहलाता है, या इसको हम कंप्लीटली वन हार्ट बीट कहते हैं। यानी एक बार हार्ट का कॉन्ट्रेक्शन होना या रिलैक्सेशन होना, दोनों को हम क्या कहते हैं, हार्ट बीट। तो वन हार्ट बीट इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। तो मैंने आपको तीन डेफिनेशन बताई, क्या क्या बताई, वन सिस्टोल एंड वन डायस्टोल, वन कॉन्ट्रेक्शन एंड वन रिलैक्सेशन, और वन हार्ट बीट इज नोन एज कार्डियक साइकिल। ठीक है, हृदय का एक बार कॉन्ट्रेक्शन करना, एक बार रिलैक्सेशन करना, यानी एक बार सिस्टोल करना या डायस्टोल करना ही कार्डियक साइकिल कहलाता है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद में बात आती है टाइम पीरियड की। तो कार्डियक साइकिल का समय होता है 0.8 सेकंड। कितना समय होता है? 0.8 सेकंड। ठीक है, टोटल कार्डियक साइकिल का टाइम है। चलिए नेक्स्ट, अब बात आती है इवेंट्स ऑफ कार्डियक साइकिल की। देखिए, ये जो टॉपिक है वो नर्सिंग के लिए, बीएमएस कर रहे स्टूडेंट्स के लिए, या कोई भी अदर मेडिकल का या फार्मेसी का कोर्स कर रहे हैं, उन सबके लिए बहुत ही जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है कार्डियक साइकिल। मैं आपको कार्डियोवैस्कुलर सीरीज के दौरान स्टडी करा रहा हूं, ये हमारी सीरीज चल रही है। ठीक है, तो उसी सीरीज को मैं आज कंप्लीट कर रहा हूं। तो जितने भी लोग हमसे लाइव जुड़ चुके हैं इस समय, उसे शेयर जरूर करें, साथ ही साथ शेयर जरूर करते रहें। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इवेंट्स ऑफ कार्डियक साइकिल की। तो कार्डियक साइकिल में जो इवेंट्स हैं उनको दो तरह से डिवाइड किया गया है। एक किया गया है सिस्टोल, जिसमें एट्रियल और वेंट्रिकुलर, यानी एट्रियम और वेंट्रिकल्स। हार्ट के दो तरह के चैम्बर होते हैं, हार्ट के अंदर एक एट्रियम ऊपर वाले दो और वेंट्रिकल नीचे वाले दो। तो सिस्टोल, सिस्टोल मींस होता है कॉन्ट्रेक्शन, तो एट्रियल और वेंट्रिकुलर दोनों का सिस्टोल एक इवेंट हो गया इसमें, और एक इवेंट होगा डायस्टोल, एट्रियल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल। इस तरह से अगर हम टोटल इनको अलग अलग करके देखें तो टोटल चार डिविजन हुए, चार इवेंट हुए कार्डियक साइकिल के। कौन कौन से? पहला है एट्रियल सिस्टोल, जिसका समय होता है 0.1 सेकंड। याद रखिएगा, ये टाइम पीरियड से आपको क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकंड के लिए होता है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.5 सेकंड के लिए होता है, एट्रियल डायस्टोल ये होता है 0.7 सेकंड के लिए, और वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है 0.3 सेकंड के लिए, याद रखिएगा इसे। चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे सब डिविजन्स ऑफ कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल के जो सब डिविजन्स हैं उनके बारे में। अब आप सोच रहे होंगे मैंने हिंदी में क्यों लिखा है, तो मैंने हिंदी में इसलिए लिखा है कि जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए, इजीली आप क्लियरली अंडरस्टैंड कर सको। ठीक है,
तो सबसे पहले हम सब डिवीजन, हम मैंने आपको बताया था सिस्टोल और डायस्टोल दोनों ही होते हैं, तो हम बात करेंगे सिस्टोल की। तो सिस्टोल के सब डिवीजन कौन कौन से हैं? सबसे पहला है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रेक्शन। याद रखिएगा, पहला सब डिवीजन है कार्डिक साइकिल का आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रेक्शन, जिसका टाइम पीरियड होता है 0.05 सेकंड। इस बात की गारंटी है आज की क्लास के बाद में आपको कोई भी बुक उठाने की जरूरत नहीं है, किसी भी बुक से आप स्टडी करें, वही मटेरियल आपको यहां पर मिल जाएगा, आपको बुक उठाने की जरूरत नहीं है, यहीं से आप स्टडी पूरी कंप्लीट कर सकते हैं कार्डिक साइकिल की। ठीक है, तो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रेक्शन जिसका टाइम पीरियड होता है 0.05 सेकंड, तो ये होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। एट्रियल सिस्टोल के बाद में जब एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व यानी एवी वाल्व क्लोज हो जाते हैं, तो सेमी लूनर वाल्व पहले से क्लोज होते हैं। अब दोनों वाल्व ओपन होने के बाद में वेंट्रिकल एक क्लोज कैविटी के रूप में कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे वेंट्रिकल के अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है और इस बढ़े हुए प्रेशर के कारण सेमी लूनर वाल्व ओपन हो जाते हैं। क्या हुआ इसमें, क्या देखा हमने कि आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रेक्शन का मतलब कॉन्ट्रेक्शन के बाद में, कॉन्ट्रेक्शन के समय एट्रियम सिस्टोल में जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व पाए जाते हैं, एट्रियल सिस्टोल के टाइम पर एट्रियोवेंट्रिकुलर जो वाल्व होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। याद रखिएगा क्या होता है, क्लोज हो जाते हैं, लेकिन उसी समय सेमी लूनर वाल्व पहले से ही क्लोज होते हैं। तो इन दोनों वाल्व के क्लोज होने की वजह से, चाहे सेमी लूनर वाल्व हो चाहे एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व हो, जब ये दोनों ही क्लोज हो जाते हैं तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, वेंट्रिकल्स बिल्कुल एक क्लोज कैविटी की तरह बन जाते हैं, क्लोज कैविटी के रूप में फॉर्म हो जाते हैं, जिससे क्या होगा, वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है भाई, ब्लड तो बार बार बाहर जाने की कोशिश करेगा, तो वेंट्रिकल का जब प्रेशर बढ़ चुका है तो उस बढ़े हुए प्रेशर के कारण सेमी लूनर वाल्व, जिनको हम एओर्टिक और पल्मोनरी वाल्व कहते हैं, वो खुल जाते हैं और ब्लड हमारी बॉडी में जाने लगता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, इसी पीरियड को हम कहते हैं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रेक्शन। ठीक है, चलिए, इसको होने में 0.05 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट इसी में ही, वंद कैविटी के रूप में वेंट्रिकल के अंदर वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं होता। भाई हमारे मन में सवाल है ना, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रेक्शन क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि वंद कैविटी के रूप में जो वेंट्रिकल है, मैंने अभी आपको बताया एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, पल्मोनरी वाल्व, एओर्टिक वाल्व सभी बंद है, तो उन वेंट्रिकल के बीच में कोई भी एक कैविटी के रूप में वेंट्रिकल फॉर्म हो चुका है, बन चुका है, तो उसमें प्रेशर में कोई या वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता, तो उस वॉल्यूम में चेंज न होने की वजह से इसे हम आइसोवॉल्यूमिक या आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रेक्शन पीरियड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, यह फेज सेमी लूनर वाल्व की ओपनिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। याद रखिएगा, ये जो फेज है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रेक्शन फेज, यह फेज सेमी लूनर वाल्व यानी एओर्टिक और पल्मोनरी दोनों वाल्व की ओपनिंग के लिए जरूरी होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं, अगला पीरियड है इजेक्शन पीरियड। कौन सा है, नेक्स्ट इजेक्शन पीरियड, जिसका समय होता है 0.22 सेकंड। तो इजेक्शन मीन्स होता है निकलना, तो इसमें देखिए क्या होगा, सेमी लूनर वाल्व की ओपनिंग के बाद वेंट्रिकल के कॉन्ट्रेक्शन के बाद ब्लड तेजी से वेंट्रिकल से एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में इजेक्ट होता है, जो रैपिड इजेक्शन पीरियड कहलाता है। इजेक्शन मीन्स होता है निकलना, तो हर्ट के अंदर जो भरा हुआ ब्लड है, हर्ट के अंदर जो भरा हुआ ब्लड है, हर्ट के वेंट्रिकल्स के अंदर जो भरा हुआ ब्लड है, वो सेमी लूनर वाल्व जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करें, खुलेंगे, जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वो तुरंत एकदम से एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड चला जाता है, इसी को हम रैपिड इजेक्शन पीरियड कहते हैं। उसके बाद में क्या होगा, कुछ देर बाद ब्लड इजेक्शन की रेट धीमी हो जाती है, तो इसे हम स्लो इजेक्शन पीरियड कह देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात आती है अब डायस्टोल की। भाई अभी हमने सिस्टोल की पढ़ ली है, तो सिस्टोल के दो फेज थे, अब हम पढ़ेंगे डायस्टोल के। इसके होते हैं 5 फेज, इस तरह से टोटल होते हैं कार्डियक साइकिल के 7 फेज। तो हम सबसे पहले फेज की बात करते हैं, प्रोटोडायस्टोल। सबसे पहला फेज कौन सा है, प्रोटोडायस्टोल फेज। कौन सा फेज, प्रोटोडायस्टोल। तो ये प्रोटोडायस्टोल फेज क्या होता है, ये 0.4 सेकंड के लिए होता है, और इस फेज में क्या होता है, दिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ डायस्टोल, सो इट इज कॉल्ड प्रोटोडायस्टोल। डायस्टोल का मतलब कौन, रिलैक्सेशन करना, तो रिलैक्सेशन के बाद में या रिलैक्सेशन के लिए ये पहला स्टेज होता है, इसीलिए इसे हम प्रोटोडायस्टोल कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है इसमें होता क्या है, तो इसमें होता है वेंट्रिकल से ब्लड इजेक्ट होने के कारण वेंट्रिकल का प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, वेंट्रिकल से जब ब्लड
इजेक्ट हो जाता है, निकल जाता है, अभी मैंने आपको समझाया था कि ब्लड इजेक्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होगा यहां पर, तो इजेक्ट होने की वजह से क्या होगा यहां पर प्रेशर कम हो जाता है, और प्रेशर कम होने की वजह से एओर्टा तथा पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड आने के कारण इसके अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके कारण सेमीलूनार वाल बंद हो जाते हैं। ठीक है, इट इंडिकेट एंड ऑफ सिस्टोल एंड बिगिनिंग ऑफ डायस्टोल। ये जो कार्डियक साइकिल का डायस्टोलिक या प्रोटो डायस्टोलिक फेज है, ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है एंड ऑफ सिस्टोल, यानी इस जगह सिस्टोल खत्म हो रहा है और डायस्टोल की शुरुआत हो रही है, ये इसी चीज को इंडिकेट करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम अगला, आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन पीरियड। तो आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन पीरियड का समय होता है 0.08 सेकंड। ठीक है, इसमें होता क्या है, हर्ट के सारे वाल्व क्लोज हो जाते हैं, आप साइड में डायग्राम में देख सकते हैं इजीली कि हर्ट के, इधर देखिए डायग्राम में इजीली आपको दिख रहा होगा सारे वाल्व क्लोज हैं, तो हर्ट के सारे वाल्व क्लोज हो जाता है, जिससे क्या होता है वेंट्रिकल एक कैविटी के रूप में डायस्टोल करता है, माने रिलैक्स हो जाते हैं, जिससे वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इसे हम आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन कहते हैं। इस डायग्राम में भी आप इजीली देख सकते हैं कि वाल्व क्लोज है, ये ग्रीन कलर से दिख रहे हैं, ये वाल्व क्लोज है और जो प्रेशर है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म है, कोई चेंज नहीं हो रहा, कोई बदलाव नहीं हो रहा, इसीलिए इसे हम आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन पीरियड कह रहे हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद में नेक्स्ट, इस रिलैक्सेशन के कारण क्या होगा, इस रिलैक्सेशन के कारण वेंट्रिकल के अंदर का प्रेशर बहुत ही कम हो जाता है और एट्रियम का प्रेशर बढ़ जाता है। ध्यान रखिएगा इसमें क्या होगा, रिलैक्सेशन की वजह से वेंट्रिकल के अंदर का प्रेशर तो कम हो जाता है, एट्रियम का प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें ब्लड रिसीव होने लग जाता है ना, तो जिसके कारण एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व ओपन हो जाते हैं। दोबारा से समझिए, इसमें होता क्या है, इसमें ये ग्रीन कलर से आप देख रहे होंगे, इसमें वाल्व बने हुए हैं, तो राइट एट्रियम तथा राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के अंदर से जो ब्लड है, ठीक है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के अंदर जो ब्लड है वो प्रेशर देता है, और प्रेशर देने की वजह से क्या होगा, ये वाल्व ओपन हो जाते हैं, राइट और लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, यह फेज एवी वाल्व की ओपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए तो यहां नीचे लिखा हुआ है कि यह फेज यानी आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज, इसी फेज के कारण एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व ओपन होते हैं, खुलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला है रैपिड फिलिंग पीरियड। तीसरा पीरियड है रैपिड फिलिंग पीरियड, इसका समय होता है 0.11 सेकंड। ठीक है, इसमें होता क्या है, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व के ओपन होने के बाद में ब्लड तेजी से एट्रियम से वेंट्रिकल में आ जाता है, आप देख सकते हैं गौर से यहां पर क्या हुआ, इससे पहले पीरियड में क्या हुआ था कि एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व ओपन हो गए थे, अब यहां पर हमने ये स्थिति देखी कि एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व जैसे ही ओपन हो गए तो उनके ओपन होने के बाद में ब्लड तेजी के साथ में क्या करेगा, एट्रियम से वेंट्रिकल में भरने लगेगा, है ना, राइट और लेफ्ट एट्रियम से राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा, तो जैसे ही वेंट्रिकल्स में आएगा ये, तो लगभग इस दौरान 70% ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में आ जाता है। ठीक है, तो इसी को हम रैपिड फिलिंग पीरियड कहते हैं, इसमें जल्दी से अचानक से ब्लड भर जाता है। नेक्स्ट, अब फिर बात आती है स्लो फिलिंग पीरियड। तो स्लो फिलिंग पीरियड, इसका समय होता है 0.19 सेकेंड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें रैपिड फिलिंग फेज के बाद, रैपिड फिलिंग होने के बाद में क्या होगा, एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड आने की जो गति है वो कम हो जाती है, घट जाती है। भाई उसमें क्या हो रहा था कि ब्लड एट्रियम और दोनों ही राइट और लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आ रहा था, लेकिन इस समय क्या हुआ, यहाँ पर उसकी गति अब धीमी हो गई, वो था रैपिड फिलिंग, यहाँ है स्लो फिलिंग। स्लो फिलिंग को स्लो फिलिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत धीरे धीरे करके ब्लड आता है, इस दौरान जो बचा हुआ 20% जो ब्लड है वो एट्रियम से वेंट्रिकल में आ जाता है। ठीक है, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं वाल्व खुले हुए हैं, और वाल्व खुलने के बाद में इजीली ब्लड ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, माने एट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ आ रहा है। ठीक है, अगर कोई चीज समझ में नहीं आया तो आप लगातार कमेंट करते रहिए, कमेंट के साथ में आपको जवाब जरूर मिलेगा। नेक्स्ट, अब आते हैं हम लास्ट फेज ऑफ कार्डियक साइकिल, जो है लास्ट रैपिड फिलिंग पीरियड। तो लास्ट रैपिड फिलिंग पीरियड क्या होता है, दिस फेज इज बिकॉज ऑफ एट्रियल सिस्टोल। याद रखिएगा, ये जो फेज है वो एट्रियल सिस्टोल की वजह से होता है, किसकी वजह से, एट्रियल सिस्टोल माने एट्रियम के कॉन्ट्रेक्शन की वजह से। आफ्टर द स्लो फिलिंग पीरियड द एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट
एंड पुश ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल। तो स्लो फिलिंग पीरियड के बाद में होता क्या है कि एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और एट्रियम जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो पुश यानी प्रेशर की वजह से क्या होगा, कुछ अमाउंट में ब्लड वेंट्रिकल्स में भरने लग जाएगा। तो इसमें क्या होता है, अबाउट 10% ऑफ वेंट्रिकल फिलिंग टेक्स प्लेस इन दिस फेज। इस फेज में 10% वेंट्रिकल्स फिल हो जाते हैं। इससे पहले मैंने आपको रैपिड फिलिंग पीरियड बताया था, तो उसमें मैंने बताया था 70% ब्लड आ जाता है वेंट्रिकल में, फिर जो 20% ब्लड है वो स्लो फिलिंग पीरियड से आ जाता है, और जो लास्ट रैपिड फिलिंग पीरियड है जो कि एट्रियल सिस्टोल की वजह से होता है, उसकी वजह से बचा कुचा जो 10% ब्लड है वो भी वेंट्रिकल्स के अंदर फिल हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट कार्डियक साइकिल। आज हमने पढ़ा कार्डियक साइकिल के बारे में, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी स्टूडेंट नर्सिंग का हो, बीएमएस का हो, मेडिकल का कोर्स कर रहा हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आया हो, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो इस लेक्चर को लाइक करें, अपने साथी दोस्तों के साथ में शेयर करें, और हमारे चैनल मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। मैं इसी तरीके से लगातार आपके सामने अच्छे अच्छे टॉपिक्स, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग टॉपिक्स ऐसे ही लाता रहूँगा। ठीक है, थैंक यू।